अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद मुतील हसन और आप देख रहे हैं MTV न्यूज़। जी नाजरीन, खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से, जहां DPO तारक अजीज की सरबराही में SP पेट्रोलिंग मैडम हुमा नसीब की हिदायत पर DSP PHP मोहम्मद रफीक खोखर और DSP ट्रैफिक कासम भट्टी की ज़ेरे निगरानी विहाड़ी के मुख्तलिफ मकाम पर ट्रैफिक रोड सेफ्टी मुहताज स्पीड जिंदगी जमानत प्रोग्राम के तहत स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी व दीगर वामनास में मुश्तरका पंफलेट तकसीम किए गए। मजीद तफसील जानते हैं विहाड़ी में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शमून नज़ीर से। जी शमून, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, DPO विहाड़ी तारक अजीज की सरबराही में SP पेट्रोलिंग मैडम हुमा नसीब की हिदायत पर DSP PHP मोहम्मद रफीक खोखर और DSP ट्रैफिक कासम भट्टी की ज़ेरे निगरानी विहाड़ी के मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक रोड सेफ्टी मुहतियात स्पीड जिंदगी जमानत प्रोग्राम के तहत स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी व दीगर अवामुन्नास में मुश्तरका पंफलेट तकसीम किए गए। DSP ट्रैफिक कासम भट्टी की हिदायत पर विहाड़ी के मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक रोड सेफ्टी मुहतियात स्पीड जिंदगी जमानत प्रोग्राम के तहत स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी व दीगर अवामुन्नास में पंफलेट तकसीम किए गए। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर राणा अजमल, गुलाम मुजतबा ASI और पेट्रोलिंग पुलिस अड्डा पखी मोड़ के शिफ्ट इंचार्ज गुलाम बाद जोया ने हादसा से बचने और सेफ्टी आलात इस्तेमाल करने के बारे में ब्रीफिंग भी दी। इनका मजीद कहना था कि ओवरलोडिंग और ओवर स्पीड से इजतनाब करें, ये हादसा का सबब बनती है। मामूली सी वक्त की खातिर अपनी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में ना डालें। तेज रफ्तारी से बहुत से हादसा रुनुमा होते हैं जो खतरनाक है, बहुत सी जानें इससे जाया होती है। इस मौके पर मास्टर आशिक अली, सदर टीचर यूनियन जिला विहाड़ी, चौधरी मुजम्मल, नायब सदर केमिस्ट एसोसिएशन पक्की मोड़, राणा उमेर व दीगर शहरी मौजूद थे। जी